हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मैनर वीडियो। और आज मैं जा रहा हूं मस्कत। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये रहा, देखिए ये रहा हमारा प्लांट। इधर से हम लोग जाते थे डेली सुबह में, सामने वाला प्लांट है हमारा, नाम है इसका, है ना। और यहाँ पे चल रहा था मेरा प्रोजेक्ट लगभग 3 सालों से, जैसा कि आपको पता ही है गाइस। और आप देख सकते हैं ये है, देखिए पूरा ये प्लांट है उमान एलएन जी सूर के अंदर उमान में। और यही चल रहा था हमारा प्रोजेक्ट, जो कि फिलहाल खत्म है। प्रोजेक्ट हमारा इट्स अबाउट टू एंड, इट्स नॉट 100% एंड, बट यस यू कैन से 90% ऑलमोस्ट डन। और फाइनली फिर हम लोग जा रहे हैं मस्कत। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली, वहीं अब हेड ऑफिस में ही काम होगा, मेन ऑफिस में रहूंगा। यहाँ पे रहेंगे हमारे रॉबिन भाई, इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड। और बीच बीच में वेन एवर ही नीड मैं आता रहूंगा। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग मिल करके फिर पूरा 100% फिनिश करेंगे, जो कि अभी 90% हो गया है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बचा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, जो कि वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मस्कत, वहाँ पे होगा काम। जो भी होगा हम मस्कत से आपको अपडेट उमान के बारे में देते रहेंगे, और मस्कत भी आपको घुमाता रहूंगा। और एक चीज गाइज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल के जल्द से जल्द 1000 कर दो यार बन के। थोड़ा ये बच गया है, आप लोगों ने अच्छा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया अपना, थोड़ा सा ही है तो 1000 कर दो। फिर प्लान करते हैं कुछ पार्टी शार्टी का, कहीं लोकेशन कहीं हम लोग मिल करके डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है ना। और भी मैं आपको टाइम टू टाइम जॉब्स के बारे में अपडेट करता ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ इंक्वायरी, कुछ उमान के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ ये मस्कत, जो कि उमान की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ उमान। और मैं बीच बीच में आपको कुछ नज़ारे, कुछ सीन्स जो हैं आपको दिखाता रहूँगा इस वीडियो में, जब तक मैं मस्कत पहुँच ना जाऊँ तब तक, है ना। तो गाइज आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, इस वीडियो के एंड तक। और हाँ प्लीज़, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। ये माउंटेन है, पहाड़ी, जो कि आपको बीच बीच के रास्ते में जब आप सूर से मस्कत जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये एक साइड में माउंटेन है यहाँ पे, और दूसरी साइड में है आपका समुंदर। ये था तीवी बीच, आप यहाँ से तीवी बीच के लिए जा सकते हैं इधर आगे में ये साइड। उसके बाद फिर यहाँ से 2 किलोमीटर है आपका वादी साहब। ये सब टूरिस्ट प्लेस है उमान में, सूर के अंदर बहुत ज़्यादा देख सकते हैं लोग आए हुए हैं घूमने घामने के लिए इधर सब लोग। तो ये वाला है देखिए वादी साहब का ब्रिज, इसके नीचे से ये साइड में आप जा सकते हैं वादी साहब, ये साइड में आगे इधर पूरा, है ना। यहाँ से देखिए आप यहाँ से राइट ले सकते हैं आगे से, वादी साहब का बोर्ड मिलेगा आपको अगर आप सूर से आ रहे हैं तो। और मस्कत से आ रहे हैं तो आपको उधर से आना पड़ेगा, है ना, वो साइड से, वहाँ से ऐसा आकर नीचे से आप यहाँ से ऐसा आ सकते हैं। देखिए वादी साहब का एक गेट है, ये आप यहाँ से ये साइड से जा सकते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में मैं दिया हुआ हूँ आपके लिए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप आइए यहाँ पे आकर के घूमिए वादी साहब। ब्यूटीफुल नेचर है यार, मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और भी आगे कौन कौन सा जगह मस्कत तक रास्ते में पड़ता है घूमने वाली जगह, और सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता चलूँगा कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। इधर है सिंक हॉल, ये वाला देखिए मैं मिस कर गया यार, आपको दिखा नहीं सका। नजम पार्क भी बोलते हैं सिंक हॉल, ये भी घूमने वाली जगह है, यहाँ भी आप आकर के घूम सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो पूरा समुंदर ही समुंदर है। तो ऐसा ही है गाइस, मैं जगह जगह पे घूमने वाली जगह है, जो कि मैं आपको बताता और दिखाता भी चलूँगा। आप मेरा भी सामान वामान देख सकते हैं, पूरा पैक, पूरा पैकिंग किया हुआ है। यही है गल्फ की लाइफ, आप
नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, तो कहीं भी नहीं है। तो ऐसे ही गल्फ में भी है कि आपको जो है ना, जहाँ काम रहेगा, जहाँ प्रोजेक्ट चलेगा, हाँ, जहाँ कंपनी को आपकी नीड होगी वहाँ कंपनी आपको भेजेगा और आपको वहाँ जाना पड़ेगा जब तक काम है। तो पिछले मैं 3 साल से इस प्रोजेक्ट पे था जो कि फाइनली इट्स गोइंग टुवर्ड एंड, है ना। तो इसके लिए अभी जाना पड़ रहा है मस्कत, क्योंकि वहाँ भी आदमी का नीड है इसके लिए। तो देखता हूँ फिर आगे और क्या क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। एक वादी साहब था, दूसरा ये सिंह हॉल था जो घूमने वाली जगह। फ्राइडे सैटरडे को भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे भरे पड़े रहते हैं, खास करके फॉरेन कंट्री के लोग, गोरे लोग जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। और आगे भी है, आगे भी 2-3 जगह है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो गाइज हम अभी पहुँच रहे हैं कुरियात, ये है देखिए कुरियात का इलाका। और आगे एक और जगह है घूमने वाली जगह, है ना, उसका नाम है वादी दैका, जिसको आप कुरियात के कुरियात डैम के नाम से भी जाना जाता है। वो हम लोग जा चुके हैं वहाँ पे, अच्छा डैम है, बहुत ही बड़ा डैम है। जब स्पेशली जब थोड़ा सा भी रेनिंग सीजन यहाँ पे होता है ना, तो वो डैम पे उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ख़तरनाक कुरियात डैम का फ्लो, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कुरियात डैम का रास्ता जाता है। जब भी आप अगर आ रहे हो या तो सूर साइड से और आप मस्कत साइड से, तो आप कैसे जा सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ आगे, कि आप यहाँ से ये साइड से है अंदर कुछ 20 किलोमीटर। देखिए यहाँ से जो है ना, ये ओवर ब्रिज है, आप अगर मस्कत से आ रहे हैं इस साइड से, तो आप ये साइड से आके ना ऐसा ऊपर से जा करके फिर ऐसा आपको जाना पड़ेगा, है ना, वादी दैका। आपको बोट भी मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है वादी दैका डैम 19 किलोमीटर है। हाँ, इस कलर का ब्राउन कलर का बोट मिलेगा आपको। अगर आप सूर साइड से आ रहे हैं तो फिर यहाँ से आप ये साइड से लेकर के ऊपर चढ़ेंगे और फिर इधर जाएंगे आगे को ऐसा अंदर, है ना। तो यहाँ से 19 किलोमीटर इस रोड से, जो मेन रोड है मस्कत सूर का, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा, तब आप पहुँच जाएंगे वादी दैका कुरियात डैम। अच्छा डैम है, बहुत सारे लोग स्पेशली जो फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे फैमिली के साथ हैं गाइस, वो लोग यहाँ पे ज़रूर फैमिली के साथ विजिट करते हैं वादी दैका जो कुरियात डैम है उसमें, क्योंकि बहुत ही प्यारा और अच्छा डैम है, है ना। तो आगे और भी अगर कुछ है तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताइए, ये दिख रहा आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, पहाड़ जो पहाड़ काट के रोड बनाया ना, इस तरीके से यहाँ पे क्यों दिया गया है। आगे भी है, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दिख रहा आपको ये वाला जो दिया हुआ है, ये पूरा इस तरीके से क्यों किया हुआ है पता है आपको, मैं बता देता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो। ये इसलिए किया गया ना इस तरीके से, क्योंकि अगर बारिश वरिश होता है तो जो बोलते ना लैंड स्लाइंग वो सब चीज़ ना हो, ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह स्लाइडिंग होकर के ना गिरे, तो इसलिए मेनली जो है वो सेफ्टी के लिए इस तरीके से बनाया गया है। आई डोंट नो, इंडिया में तो मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं हूँ इसकी। इसी यही वजह है कि जहाँ भी माउंटेन वाली रोड है ना, वहाँ पर इस तरीके से ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि एक सेफ्टी मिले लोगों को। और मतलब क्योंकि ये सब जो है ना, एक स्लाइडिंग की वजह से बहुत सारा, स्पेशली अपने उत्तराखंड वगैरह में ना, बहुत ज़्यादा वो स्लाइड होता है पत्थर वगैरह ऊपर से, और फिर बहुत सारे गाड़ी ये सब जो है ना, दब दब करके लोग फिर वहाँ पे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो अगर इस तरीके से बना दिया जाए ना, जहाँ इस तरीके से लोग बनाते हैं, जस्ट ये सीमेंटेड नहीं है, अंदर में ना वो जाली दिया हुआ है भाई, अंदर से प्रॉपर जाली दे करके उसके बाद में, देखिए अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए पूरा जाली दे करके उसके बाद फिर ऊपर से इस तरीके का इन्होंने बना रखा है, ताकि ताकि मतलब स्लाइड ना करे, गिरे नहीं, है ना, आदमी लोगों के ऊपर। तो ये है यहाँ का सोच, यहाँ का सेफ्टी अवेयरनेस, रोड अवेयरनेस यहाँ के लोगों में, यहाँ की गवर्नमेंट में, विच इज़ वेरी वेरी हाईली अप्रिसिएटेड है, है ना। तो चलिए और भी कुछ चीज़ मैं आगे दिखाता हूँ आपको मस्कत पहुँचने तक।
फाइनली गाइज हम लोग अमीरात पहुंच गए हैं। ये है अमीरात और ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये है क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड अमीरात में। यहाँ पे इंटरनेशनल मैच बड़ी बड़ी टीमों से तो नहीं, बट हाँ ओमान, आयरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई वगैरह से यहाँ से होते रहता है। आपको बड़े बड़े जो पौधे दिख रही होंगी लाइट की, यही है अमीरात में, है ना। और फिर आगे अभी हम लोग ये साइड से ऐसा जाएंगे माउंटेन वाली रोड पे, इधर है ये साइड में, बहुत ज़बरदस्त रोड है, झकास रोड, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो रोड। बहुत ही बेहतरीन रोड है भाई, माउंटेन वाली रोड, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। गाइस आगे है ना बड़े बड़े छतरी जो दिख रहे हैं आपको, आगे इधर ही अभी लगने वाला है ओमान में मस्कत फेस्टिवल बोल करके, बहुत बड़ा मेला लगता है समझ लो आप, इधर अल अमीरात पार्क में लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद में फिर आपका लगेगा जा करके नसीम गार्डन बरखा में, कुरुम पार्क जो कि मस्कत के अंदर है वहाँ। तो ये सब तीन जगह में बहुत ही बड़ा वन मंथ का ओमान में लगता है मेला, समझ गए, बहुत ही शानदार, इसको मस्कत फेस्टिवल के नाम से साल में एक बार लगता है, और अक्टूबर नवंबर में शायद लगेगा वो। मैं आपको जरूर घुमाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा आपको मैं अपने ब्लॉग वीडियो में जब भी लगता है। तो अभी हम लोग जाएंगे उसके ऊपर, वो वाले माउंटेन का जो रोड है ना, यहाँ से सीधा ऊपर, बहुत ही हाइट है पहाड़ पे, उन्होंने काट करके बनाया हुआ है मस्कत से सूर के लिए, है ना, जो कि ये पहले वादी अदे से होकर के आता था तो काफ़ी शॉर्ट, मतलब दूर पड़ता था वो, इसकी वजह से काफ़ी शॉर्ट हो गया, लगभग हाफ एन आवर का फ़र्क पड़ता है भाई टाइम पे, ये कहोगे गाड़ी के इंजन में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, फिर मैं दिखाता हूँ ऊपर कैसा बना हुआ है ये रोड। तो गाइस ये है, हम लोग माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं रोड से, और फिर इस साइड से चढ़ाओ, और फिर जो आगे से जो ढुलाव है ना भाई, वो साइड से डाउन साइड में, वो बहुत डेंजर है, एकदम सात पॉइंट है रोड में उस साइड में, आगे से मैं आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस ऊपर आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से नेट दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, कि ताकि ऊपर से कुछ पत्थर जो है ना वो स्लाइड होकर के नीचे आकर के किसी गाड़ी पे ना गिरे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ख्याल रखा जाता है रोड पे लोगों का, गाड़ियों का, देख रहे हैं कितना हैवी जाली दिया दे रखा है इन्होंने सिर्फ सेफ्टी के लिए, ताकि ऊपर से कुछ गिरे ना। इस तरीके का सेफ्टी के लिए ना अवेयरनेस अपने इंडिया में भी होना चाहिए यार, क्योंकि बहुत काफ़ी जाने अपने इंडिया में भी जाती है वहाँ पे, उत्तराखंड वगैरह में जितने भी लोग जाते हैं घूमने के लिए अपनी गाड़ियों से, तो वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत लोगों का जान जाते हुए हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेफ्टी के लिए किस तरीके से दिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं गुड सेफ्टी अवेयरनेस, जो कि अपने लोगों के बारे में सोचते हैं यहाँ की गवर्नमेंट, हर एक जान की कीमत को समझते हैं, जो कि अपने यहाँ नहीं समझा जाता है, जिसकी वजह से कईयों लोगों का जान इसकी वजह से जाता रहा है, जा ही रहा है और जाता ही रहेगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस, लोग क्या करेंगे यार, गवर्नमेंट में अवेयरनेस नहीं है, ये सब काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कुछ करते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सब इंसिडेंट जो है वहाँ पे कंसिस्टेंटली हो रहा है। तो गाइस अब जो है हम मस्कत इन कर गए हैं फाइनली, और ये पूरा मस्कत है आगे, आपको जो दिख रहा है ना पूरा वाइट वाइट है पूरा मस्कत, उसके पीछे साइड में पूरा सी है, और इस तरीके का नज़ारा कुछ है ऊपर से, और ये डाउन साइड है यहाँ पे, जो कि बहुत ही डेंजर है, यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे होते रहता है, लिखा हुआ भी है रिड्यूस स्पीड नाउ, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है ना, मस्त एकदम, देखिए कितना हैवी टर्न है, और ये सामने आपका मस्कत, तो बहुत ही डेंजर टर्न है भाई। जब आप इंडिया से यहाँ लैंड करते हैं ना, तो ये वाला रात में आपको चमकता हुआ दिखता है कुछ इस तरीके का, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस तरीके का आपको दिखेगा अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, या बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो जब लैंड करने वाले रहते हैं ना मस्कत, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा, जो कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ,
एमरात रोड का, तो आप समझिएगा कि एमरात रोड है और आगे पूरा मस्कत है, मौला ओमान है आगे रेड वाले में, बहुत ही बड़ा ओमान का सबसे बड़ा मॉल भी है ये, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट मॉल, नोट फर्स्ट में आता है, सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है ये ओमान का, मॉल ऑफ ओमान बहुत ही बड़ा है भाई। और सामने पूरा मस्कत, पूरा वाइट वाइट, यहाँ पे भी स्पेसिफिक कलर है भाई, दो चार कलर में ही आपको अपना घर का कलर करवाना पड़ता है। इंडिया, अपने इंडिया पाकिस्तान के जैसा नहीं, यहाँ पे कि कोई भी कलर जो भी मुंह में दिमाग में आए उठा करके कर लो, लाल पीला गुलाबी, है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब तीन चार कलर जो है वो सर्टिफाइड है, वाइट ग्रे सब कलर, मतलब उसी कलर में आपको करना पड़ता है। तो गाइस ये है मॉल ऑफ ओमान, यूँ आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, देखिए ये है मॉल ऑफ ओमान, यस खूबसूरत मॉल, और ये है मस्कत एक्सप्रेस वे, मेन मस्कत सिटी, है ना। तो गाइस ये है मस्कत, और मैं भी फिलहाल पहुंच चुका हूँ अपने शहर मस्कत में और अपने फ्लाइट में। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बाय बाय।